हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वरुण। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं इसके डिस्कस करूँगा, वो होगा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इसका फॉर्म क्या होता है और क्या क्या कंडीशंस होते हैं इसके सॉल्वेबिलिटी के, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो होगा उसे मैं सॉल्व करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? तो एक इक्वेशन होता है, किस फॉर्म में होता है वो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में यदि कोई इक्वेशन है तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स कौन कौन है? हियर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। तो एक्स और वाई जो वेरिएबल है, उसके बाद ए बी सी ये क्या है, ये जो है रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और एक यहां पर कंडीशन होता है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमारा फॉर्म है इक्वेशन का, ये कहलाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एज फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज मैंने लिखा टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखो दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स है, टू एक्स का कोफिशियंट है, थ्री वाई का कोफिशियंट है और सेवन जो है वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर क्या होते हैं? तो पेयर का मतलब ये होता है कि दो इक्वेशन होंगे। अब चूंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए। ये एक रूल होता है कि यदि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन रहेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। यदि टू वेरिएबल्स होंगे तो दो इक्वेशंस होने चाहिए, यदि थ्री वेरिएबल्स होंगे तो थ्री इक्वेशंस होने चाहिए। ओके, तो देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन जो है ना, ये कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ए वन जो है एक्स का कोफिशियंट है पहले वाले इक्वेशन में, बी वन वाई का, सी वन कॉन्स्टेंट टर्म है सेकेंड इक्वेशन में हमारा, ए टू जो है वो एक्स का कोफिशियंट है, बी टू वाई का और सी टू हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है। तो एक्स और वाई की यदि आपसे वैल्यू पूछी जाएगी दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज जो मैं टॉपिक, आज जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी फॉर लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो मैं वही पहले देखता हूं। सो स्टूडेंट्स, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं या फिर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है ना, उसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो या तो हमारा कंसिस्टेंट होगा या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो जो पेयर है इक्वेशंस का उसे आप यदि सॉल्व करोगे, मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई की यदि वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कम से कम एक सॉल्यूशन जो होगा वो जरूर रहेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन वहां पर होने चाहिए। ओके, और यदि वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है दैट मीन्स क्या हुआ कि वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो कंडीशन हो गया नो सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यदि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो वहां पर एक या फिर एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन हो सकता है, और यदि इनकंसिस्टेंट है तो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो मान लेता हूँ कि ये दो हमारे इक्वेशंस हैं, तो हमें मालूम करना है कि ये जो सिस्टम दे रखा है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले मैं लेता हूं इनकंसिस्टेंट को,
तो इनकंसिस्टेंट का मतलब वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कैसे मालूम करेंगे कि जो हमारा पेयर है वो इनकंसिस्टेंट है? तो यहाँ एक कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू विच इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। यदि ये कंडीशंस है तो हम मानते हैं कि वो जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि हमारे पास दो इक्वेशन है, 5x मैं ले लेता हूँ, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा मैं ले लेता हूँ 10x प्लस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू क्या हो गया, 5/10 यानी 1/2। बी वन अपॉन बी टू ये क्या हो गया हमारा, 4/8 यानी ये भी हो गया हमारा 1/2। एंड सी वन अपॉन सी टू ये क्या हमारा हो रहा है, 3/7। तो क्या यहाँ पर मिला हमारा 1/2 जो है, ये तो 1/2 के इक्वल है ही, मतलब ए वन बाई ए टू जो है वो बी वन बाई टू के इक्वल है, लेकिन ये जो है नॉट इक्वल टू 3/7 है। तो ये कंडीशन यदि रहेगा सिस्टम में तो हम देख कर ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशंस वाले इक्वेशंस को यदि आप ग्राफ में प्लॉट करोगे ना, देखना कि वहाँ पर जो लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। तो पैरेलल लाइंस का मतलब ये कि वो कहीं पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अब मैं आता हूँ कंसिस्टेंट पर। तो सेकंड हमारा है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि वहां पर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होने चाहिए। तो यहां पर दो कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि वहां पर एक ही सॉल्यूशन होगा, फोर यूनिक सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन यहां पर होगा ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। यदि दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें ए वन अपॉन ए टू का जो रेशियो है वो बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं है, तो हम मान लेंगे कि वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, वहाँ पर एक सॉल्यूशन जो है वो आएगा ही आएगा, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन, एक्स की एक ही वैल्यू होगी और वाई की एक ही वैल्यू होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया 3x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 7y माइनस 13 इज इक्वल टू, सपोज कर मैं 5 लिखता हूँ या 0 ही। ओके, तो देखो यहाँ पर ए वन बाई टू क्या हमारा है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू 3/9 यानी 1/3 है, एंड बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू 5/7। देखो 1/3 है, 5/7 है, दोनों तो इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है, और इसके कितने सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकेंड केस लेता हूँ, फोर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ओके, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो कॉफिशियंट ऑफ एक्स है उसका रेशियो कॉफिशियंट ऑफ वाई के रेशियो के इक्वल है, और वो जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म्स के रेशियो के इक्वल है, तो वहाँ पर जो सॉल्यूशंस आएंगे ना वो बहुत सारे सॉल्यूशंस, मतलब उसका कोई काउंटिंग नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज जैसे 3x है, 7y है, प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 9x 21y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 3/9 यानी 1/3 आता है ये, बी वन अपॉन बी टू ये 7/21 ये भी हमारा 1/3 आता है, और सी वन बाई सी टू ये हमारा हो जाएगा 13/39 जो कि हमारा है 1/3। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो x का कॉफिशियंट्स हैं उनका रेशियो
वाई के कॉफिशियंट के रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, ये तीनों जो है बिल्कुल इक्वल है। तो क्या हो गया, ये जो सिस्टम था वो कंसिस्टेंट तो है लेकिन इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनेटली मेनी होंगे। तो यदि आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, देखना कि दोनों लाइन्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैपिंग का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था इनकन्सिस्टेंट में कि वहाँ पर पैरेलल लाइंस होते हैं, और यदि यूनिवर्स सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर लाइंस जो होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, अब मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूँ जो एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, और ये जो कंडीशंस हमने यहाँ पर निकाले हैं उसका इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा। सो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है, जहाँ पर ये रखा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वहाँ पर सॉल्यूशंस कितने हैं, इनफाइनेटली मेनी है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, तो सबसे पहले मैं इसे जो इसका फॉर्म होता है उस फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ कि ये माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस के इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। के एक्स के वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ओके, तो ये हमारा उस फॉर्म में आ गया ना, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, हेयर ए वन इज इक्वल टू के माइनस थ्री, ए टू इज इक्वल टू के, बी वन इज इक्वल टू थ्री, बी टू इज इक्वल टू के, सी वन इज इक्वल टू माइनस के एंड सी टू इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो मैं लिखता हूँ, फोर फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू जो है मैं पुट करता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा के माइनस थ्री अपॉन के इज इक्वल टू थ्री अपॉन के इज इक्वल टू माइनस के अपॉन माइनस ट्वेल्व। तो मान लेता हूँ ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और ये हमारा थर्ड है। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, पहले वन एंड टू लूँगा फिर टू एंड थ्री लूँगा। सो फ्रॉम वन एंड टू क्या था हमारा, के माइनस थ्री अपॉन के इज इक्वल टू थ्री अपॉन के, एंड फ्रॉम टू एंड थ्री ये हमारा हो जाएगा थ्री अपॉन के इज इक्वल टू माइनस के अपॉन माइनस ट्वेल्व। इसे मैं सॉल्व करता हूँ, देखो के और के कैंसिल हो गया, तो हमारा आता है के माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो के इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री, देयरफॉर के इज इक्वल टू सिक्स। इसे मैं सॉल्व करता हूँ, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, तो के हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट थर्टी सिक्स, दैट मीन्स प्लस माइनस सिक्स। तो दोनों को यदि मैं देखता हूँ तो क्या आता है, देयरफॉर के इज इक्वल टू सिक्स। तो मैं कंक्लूजन लिखता हूँ, हेंस द गिवन सिस्टम has infinitely many solutions if k is equal to 6। तो इस तरीके से कंडीशंस जो है उनका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं, और बारी बारी से सारे मेथड्स को हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।